दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब आईपीएल समाप्त हो चुका है, अब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से 5 टी20 मैचों की श्रृंखला खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा। क्या रहने वाली है लाइव अपडेट्स ऑफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा में कौन है शानदार कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जब बीसीसीआई ने भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय टीम घोषित की थी तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम में से रेस्ट दिया था। ये क्रिकेट फैंस के लिए दिल दहला देने वाली खबर थी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए केएल राहुल को कप्तान और ऋषभ पंत को उपकप्तान चुना था। अब भारतीय टीम को ये श्रृंखला क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना ही खेलनी पड़ेगी। और अब हम आपको बताते हैं इन दोनों खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम की प्लेइंग 11। सबसे पहले केएल राहुल और ईशान किशन ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे श्रेयस अय्यर। इसके बाद नंबर 4 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने काफी समय से भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे ऋषभ पंत, इनके पास इस साल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म है। इसके बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आएंगे हार्दिक पांड्या, जो कि इस साल आईपीएल में बहुत ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद भारतीय टीम मिले नंबर 7 पर रखा है एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, बहुत जिसका नाम है रविंद्र जडेजा। ये पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते इनको इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा गेंदबाजी में रहने वाले हैं मोहम्मद शमी, यजुबेन चहल, उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों भारत का साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाला पहला मुकाबला 9 मई को 7 बजे से शुरू होगा। दिल्ली के खूबसूरत मैदान अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आप इसको स्टार स्पोर्ट्स के सभी नेटवर्क डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर लाइव देख सकते हैं। इस पूरी श्रृंखला की मेजबानी भारतीय टीम करेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाएंगे और अपनी टीम को विजयी बनाएंगे। ये मुकाबला दिल्ली के खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम में मौजूद नहीं है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को जीतना एक चुनौती होगी और टी20 सीरीज बहुत ही रोमांचक होने वाली, और इस सीरीज में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन भारतीय टीम के भी हौसले बुलंद हैं, क्योंकि हमारी टीम में ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि क्या साउथ अफ्रीका की टीम में इतनी हिम्मत है कि वो भारतीय टीम को हरा पाए? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।